फिर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। पेनाइल सिस्ट की बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की गई है कहीं भी दोस्तों। स्क्रोटम पे या आपके टेस्टिस पे गांठ या सिस्ट पाया जाना ये बहुत आम बात है, पर पेनिस पे भी कुछ ऐसे पेशेंट आपको जरूर मिल जाएंगे जो कि सिस्ट से परेशान है। यूजली जब सिस्ट पेनिस पे होती है या पेनाइल सिस्ट जब भी होती है तो पेशेंट उसको बहुत ज्यादा टेंशन या सोचता नहीं है, बट जब इसमें पेन शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है, तो पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। तो क्या पेनाइल सिस्ट होती है दोस्तों, किस कारण से हो सकती है, क्या कितने टाइप की होती है, और होम्योपैथी में हम इसके लिए कितनी सक्षम मेडिसिन दे सकते हैं, इसी की चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दिया उसे जरूर टच कर दें, जिससे जब भी इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज आएंगे आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप वो वीडियोज भी देख पाएंगे। दोस्तों पेनाइल सिस्ट जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है आपको, पेनिस पे होने वाली सिस्ट। दोस्तों पेनिस हमारा एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है जहां पर तीन फाइब्रस बंडल दो पेयर में होते हैं, जैसे कि कॉर्पस स्पॉन्जियोसस ये पेयर में पाया जाता है, और जो कॉर्पस कैवर्नोसम होता है वो पेयर्ड नहीं होता है। तो ये तीन फाइबर मिलके आपका पेनिस की संरचना करते हैं, और इसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। तो जब आप इरेक्शन फील करते हैं, जब आपके पेनिस में काफी ज्यादा ब्लड आता है तो आपका पेनिस इरेक्ट हो जाता है, और ये सब आपका नर्वस सिस्टम से कंट्रोल्ड सिस्टम होता है। जब आप एक्साइटेड फील करते हैं, ब्लड फ्लो जो है आपके पेनिस की तरफ बढ़ता है, तो ब्लड रिच बहुत ज्यादा होते हैं फाइबर, इसीलिए उसके अंदर इरेक्शन हो जाता है जब ब्लड फुल होता है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा एलोपैथिक मेडिसिन लोग लेते हैं इरेक्शन के लिए, जिनको ईडी की दिक्कत होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। उनका फंक्शन यही है दोस्तों, जो पिल्स होती हैं एलोपैथिक, उनका फंक्शन यही है कि ओवरऑल ब्लड सप्लाई जो है ब्लड बॉडी में बढ़ा दी जाए। इसीलिए कई बार पेशेंट ओरल पिल लेने के बाद, जो कि इरेक्शन में हेल्प करती है, ईडी में हेल्प करती है, ओवरकम करने से, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को सही करने से, उसमें दिक्कत क्या आती है, पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है, पेशेंट को पसीने आने लगते हैं, पेशेंट को कई बार चक्कर या उल्टी जैसा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड है वो ज्यादा पंप हो रहा है, हमारा हार्ट जो है वो ज्यादा ब्लड पंप कर रहा है इनडायरेक्टली हमारे पेनिस में ब्लड सप्लाई को बढ़ाने के लिए। तो ये बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए दोस्तों, यहाँ तक कि प्री मेच्योर इजेकुलेशन के लिए। टाइमिंग अगर कम है या आपका इरेक्शन प्रॉपर नहीं आ रहा, इन दोनों चीजों के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाएं हैं दोस्तों। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। वापस आते हैं दोस्तों पेनाइल सिस्ट पे। चूंकि पेनिस एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है, बहुत कम चांसेस होते हैं दोस्तों कि सिस्ट हो, बट पेशेंट आपको मिलेंगे, और ऐसे पेशेंट जिन्हें पेन है वही इसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पेनाइल सिस्ट एक सबसे ज्यादा कॉमन कारण है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर आपने किसी रॉन्ग पार्टनर जिसको इन्फेक्शन हो रखा है, बैक्टीरियल या वायरल, स्पेशली हर्पीज का, तो कई बार ऐसा पाया गया है कि मेल पार्टनर को ये सिस्ट की समस्या हो जाती है। मैक्सिमम केसेस में पेन नहीं होता है, पर कुछ लोगों को पेन आ जाता है। अब ये पेन, जब भी आपका इरेक्शन पेनिस टाइट होगा आपको दर्द होने लगेगा, आप सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे आपको उस दौरान दर्द होने लगेगा, तो आपके प्लेजर में वो थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो पेशेंट डॉक्टर के पास आता है दोस्तों। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है ये एक कारण बनता है। दूसरा, अगर आपको ओल्ड इंजरी पेनिस पे कभी आपको डायरेक्ट इंजरी रही हो तो वहां पर ब्लड क्लॉट हो सकता है। तीसरा कारण है दोस्तों आपकी सीबीएसएस सिस्ट। हमारी ओवरऑल बॉडी में पसीने की ग्रंथियां पाई जाती हैं, लिंग पे भी पाई जाती है और लिंग के आसपास भी पाई जाती है, तो पेनिस की अगर कोई सिस्ट ब्लॉक हो जाती है तो वहां पर सिस्ट बनने की दोस्तों समस्या हो सकती है। तो ये बहुत ही बेसिक से तीन कारण थे जहां पर आप देख सकते हैं कि पेनिस में आपको सिस्ट, पेनिस में आपको गांठ या सिस्ट महसूस हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं होम्योपैथी में क्या ऐसी बेस्ट मेडिसिन है जो हम देकर काफी अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। दोस्तों थियोसिनामिनम नाम की बायोकेमिक 3x या 6x बायोकेमिक टेबलेट आप ले लेंगे, 4 गोली सुबह दोपहर शाम, कंटिन्यू 1.5 से 2 महीने तक खाते रहना है। प्लस अगर गांठ बहुत ज्यादा स्टोनी हार्ड लग रही है तो स्पॉन्जिया 30 ले लीजिए, 2 बूंद सुबह दोपहर शाम, इसे कंटिन्यू पीते रहिए, और कैल्केरिया फ्लोर 1 mg नाम की पोटेंसी को सप्ताह में 1 बार कंटिन्यू करके लेते रहेंगे। दोस्तों अगर आपके बॉडी में वार्ट या मस्से होने की टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, कई सारे वार्ट आपके बॉडी पे स्पेशली ट्रंक वाले एरिया पे है, तो आप कैल्केरिया फ्लोर की जगह
थुजा 1M को हफ्ते में एक बार कंटिन्यू करेंगे पेनाइल गार्ड के लिए। अदर देन जो मैंने आपको बताया थियोसिनामिनम 6X या 3X आपको कंटिन्यू रखना है, स्पॉन्जिया 30 आपको कंटिन्यू रखना है अगर स्टोनी हार्ड है। अगर हार्डनेस बहुत ज्यादा नहीं है तो स्पॉन्जिया भी बंद कर दिए, थियोसिनामिनम को कंटिन्यू रखिए और कैल्केरिया फ्लोर 1M को सप्ताह में लीजिए। अगर आपकी बॉडी पे कई सारे मस्से भी हैं, वार्ट की टेंडेंसी है, तो कैल्केरिया फ्लोर की जगह आप थुजा 1M लेना शुरू कर देंगे। ऐसे पेशेंट जिनको बहुत आसानी से सर्दी खांसी जुकाम लग जाती है, बहुत ज्यादा चिली पेशेंट है दोस्तों, तो वो कैल्केरिया फ्लोर भी नहीं लेंगे, थुजा भी नहीं लेंगे, वो लेंगे साइलिशिया 1M। जी हाँ, 1M साइलिशिया की सप्ताह में एक बार लेनी है। पैरेलली आपको थियोसिनामिनम बायोकेमिक फॉर्म में लेते रहना है। अगर बहुत ज्यादा हार्डनेस लग रही है तो स्पॉन्जिया 30 को भी साथ में सुबह दोपहर शाम करके 1.5 से 2 महीने इस दवा का सेवन करें। मैक्सिमम केस में आप देखेंगे सिस्ट चाहे किसी भी वैरायटी की होगी, आप देखेंगे धीरे 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 वो कम हो जाएगी, पहले से दूसरे हफ्ते में पेन बिल्कुल चला जाएगा और गांठ को जाने में 1 से 1.5 से 2 महीने भी लग सकते हैं, बट पेशेंट को आराम जरूर हो जाएगा। दोस्तों पेनाइल जो सिस्ट होती है ये बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होती है, बट जब भी ये पेन करेगी तो पेशेंट को दिक्कत होगा और इस तरह के पेशेंट आपके पास जरूर आएंगे। तो दोस्तों वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोशिश करूंगा सभी के उत्तर देने की। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दे, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।